नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को मैं पहले की वीडियो में भी मैं बताया हूं कि 3 दिसंबर 2022 विश्व दिव्यांगता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए भारत सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकारों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में बहुत जगह वितरण कैंप लगाए गए थे, जिनका मैं कुछ आप लोगों को फ़ोटो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। इसके पहले भी मैं कई वीडियो के माध्यम से आप लोग बताया हूं कि 3 दिसंबर को भारतवर्ष में बहुत जगह कैंप लगने वाला, उसका नाम भी मैं पहले आप लोगों को बताया था। जो वीडियो हमारे पहले देखे होंगे उनको सूचना प्राप्त हो गई होगी और वो अपना सामान भी लिए होंगे, और आगे भी ऐसे ही कैंप होता रहेगा, उसका भी सूचना मैं आप लोगों को देता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए होंगे वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, जिससे आप लोगों को सूचना पता होता रहेगा कि कहाँ पर वितरण कैंप होने वाला है, और सभी पूरे भारत के कहीं पर भी तो उसका पता आप लोगों को चला जाएगा। जैसे आप लोगों को मैं पहले ही बताया था कि बहराइच ज़िले में वितरण कैंप होने वाला है, तो वहाँ पर भी 3 दिसंबर को वितरण कैंप हुआ था और वहाँ करीब 410 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर वितरण किया गया था और 700 से ज़्यादा उपकरण वहाँ बांटे गए थे। ऐसे ही उड़ीसा में भी, उड़ीसा के बालासोर और केंद्रपाड़ा में भी 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को वितरण कैंप हुआ था। वहाँ के जो हमारे दिव्यांग भाई बहन होंगे और जो भी वरिष्ठ नागरिक होंगे वो वहाँ पर सामान प्राप्त कर लिए होंगे। ऐसे ही उड़ीसा में ही रायगढ़ सुंदरगढ़ में भी वितरण हुआ था, और ये जो फ़ोटो आप लोग देख रहे होंगे फ़ोटो में, ये उड़ीसा का ही सब फ़ोटो है। और इसके अलावा आपका यूपी के बहराइच वाला आपको बताया, वहाँ पर भी हुआ था आपका कैंप, और वेस्ट बंगाल में भी बर्नपुर में भी 3 जगह कैंप हुआ था, जो वर्धमान ज़िला है वहाँ पर भी वितरण कैंप हुआ था। वहाँ मोटराइट ट्राइसाइकिल और भी सहायक उपकरण, नॉर्मल ट्राइसाइकिल, बैसाखी, क्रच, एक्सेल, ये सब वहाँ पर बांटे गए थे। वहाँ के वेस्ट बंगाल में ही, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के, वहाँ पर भी वहाँ कई जगह कई ज़िलों में ही कैंप हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ पर सामान देख रहे होंगे आप लोग, सीपी चेयर लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं, जो सेबरल पारसी हैं उनको सीपी चेयर दिए जा रहे हैं वहाँ पर, वहाँ के अथॉरिटी द्वारा, जो स्टील इंडिया के द्वारा ये बांटा गया था, एलम को कानपुर से सामान गया था वहाँ पर, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। दोस्तों ऐसे ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी सामान का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 3 दिसंबर को ही, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और जबलपुर में। ऐसे ही जैसे ये अलीद्वारपुर जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर कैंप हुआ था, और इंदौर में भी कैंप हुआ था। इसके अलावा ग्वालियर में आपको कैंप हुआ था 3 दिसंबर को, इसके अलावा आपका साउथ में ये सलेम देख रहे होंगे, ये तमिलनाडु प्रदेश में ये वितरण हुआ था, वहाँ पर भी कई जगह वितरण हुआ था सामान का, एलम्को के द्वारा ये सामान गया था और वहाँ पर वितरण कराया गया था। ऐसे ही आपका पंजाब स्टेट में भी वितरण हुआ था, पंजाब के 2-3 जगह में वितरण हुआ था। मैं इसके बारे में पहले मैं वीडियो में बताया हूँ आप लोगों को, जो वहाँ लाभार्थी पहुँचे होंगे वो सामान उनको प्राप्त हुआ होगा। ऐसे दोस्तों आज 4 तारीख को सरायकेला में भी, मैं पहले आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया हूँ कि आज सरायकेला में भी वितरण वहाँ पर आज हो रहा है। तो जो हमारे दिव्यांग भाई बहन सरायकेला ज़िले के हैं वो अपना सामान आज जा कर के वहाँ पर ले सकते हैं। जो भी सामान उनके लिए परीक्षण के समय बताया गया था उनको सामान वो मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे पूरे भारतवर्ष में, अभी दिल्ली में जो आप लोग को पहले बताया था कि दिल्ली में दिव्य मेला लग रहा है, वो 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मेला लग रहा है, उसमें भी भारत के मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहाँ पर मेले में उनका स्वागत किए थे, और वहाँ के जो आप लोग यहाँ से लेटर जो भेजते हैं भारत सरकार को, तो वहाँ के जो IAS जो सचिव हैं उनके द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया था। तो उस मेले में भी एलम्को के द्वारा बहुत सारे उपकरण वहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और दिखाए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को कम से कम ये
इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्राप्त हो और इस जो भारत सरकार के जो निःशुल्क सेवा है जो आप दिव्यांग भाई बहनों के लिए और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए भी बहुत सारे सहायक उपकरण भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क दिए जाते हैं, वो कैंप के माध्यम से दिए जाते हैं। या और कैंप के माध्यम से नहीं, अगर जिनको इंडिविजुअल अकेले लेना होता है वो एलम्को कानपुर से या एलम्को के जो पूरे प्रदेश में जो संस्थाएँ हैं, जो 12 या 13 जगह संस्था जो अभी भारतवर्ष में है, वहाँ से उनको निःशुल्क सामान वितरण किया जाता है। दोस्तों वो आप लोग वहाँ से सामान ले सकते हैं, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा करके, अगर कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो आप लोग एलम्को कानपुर आ सकते हैं। जो पहले की वीडियो में आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट बताया हूँ वो डॉक्यूमेंट ले करके आप लोग यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से अपना सामान जो भी ज़रूरत है, छड़ी, बैसाखी, कान की मशीन, व्हील चेयर, कमर का बेल्ट, घुटने का बेल्ट और भी जो जो हमारे भाइयों जिनको पैर में से भी दिक्कत होती है या हाथ से दिक्कत है उनके लिए भी यहाँ पर सामान लगाए जाते हैं एलम्को कानपुर में। तो इसी के साथ मैं आगे वीडियो में आप लोगों को डिटेल बताता रहूँगा। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों।